नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन शोभा रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ माता की थाली। तो झटपट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आज कितने देर में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया। सबसे पहले खीर बनने में टाइम लगती है, तो थोड़ा सा हमने आधा लीटर दूध ले लिया, उसे गर्म चढ़ा दिया था। आधा कटोरी से कम हमने चावल लेके, छोटे वाले चावल होते हैं खीर के लिए, तो हमने इसे आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम दूध में डाल देते हैं। हमारे जब तक खीर बनते तब तक हम इसमें दो चम्मच, क्योंकि हमारे आधा कटोरी सूजी है तो आधा कटोरी जितना हम घी ले लिए, देसी घी, इसमें डाल दिया हमने सूजी। सूजी जब तक हमारे सिकते हैं, ये हमने जीरा डाल दिया इसमें, तेल दो चम्मच तेल डाल दिए थे। मैंने एक कटोरी छोले बॉईल कर लिए थे भिगो के, इसको इसमें डाल देते हैं। साथ साथ में ये थोड़े से अमचूर डाल दिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से भुने हुए जीरे, थोड़े से हरी मिर्च, एक हरी मिर्च कुटी हुई। फ्रेंड, आप लोग अमचूर नहीं खाते हो, नहीं डालते हो तो मत डालिएगा, पूरी तरह से स्किप कर दीजिएगा। मैंने डाल दिया है, छोले चने में पहले ही नमक थे इसीलिए उसके अनुसार ही डालेंगे। नमक हम कम से डालेंगे, इधर हमारा सूजी भी सिक रहा है हलवे के लिए। अब हम चने को भी देख लेते हैं, थोड़ा खीर को भी देख लेते हैं। खीर भी हमारा पकने वाला है। ये देखिए कि चावल को हमने पहले से थोड़े से भिगो दिए थे, चने भी बॉईल कर लिए थे, तो झटपट हमारी ये माँ की थाली रेडी हो जाएगी। तो चने हमारे बन गए, हम निकाल लेते हैं कटोरी में। हमने एक कटोरी में दो छोटे चम्मच दही ले लिए, इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिए, आधी चम्मच भुने हुए जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं है, कम की डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल, आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक हरी मिर्ची कुटी हुई। ये हमने आधे कटोरी सूजी है तो इससे तीन गुना हमने पानी गर्म कर लिए थे, तो तीन गुना मतलब डेढ़ कटोरी पानी हमारे, आधा कटोरी सूजी है, आधा कटोरी घी है और आधा कटोरी हमारी चीनी होगी। इधर साथ में हमारी खीर भी पकने वाली है, चीनी डाल देंगे। आप चीनी स्वाद अनुसार अपने कम बेसी कर सकते हो। इधर हमारा खीर भी पक गया, इसमें भी हम चीनी डाल देते हैं, आधा कटोरी जितना चीनी डाला हमने, चीनी को थोड़ा पकने देंगे। इधर हलवा देख लेंगे हम, ये थोड़ी सी डाल देंगे हम इलायची पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी किशमिश। हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं कटोरी में। खीर भी हमारे पक गए, खीर हो गया रेडी। अब इसमें भी हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, नारियल थे मेरे मैंने ग्रेट करके डाल दिए, ये भी ऑप्शनल है। हमने मसाले रेडी जो किए थे इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया, हमारी बन की रेडी हो गई। देखिए फर्स्ट क्लास से खीर, अब इसको भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये जीरा हमारे चटक गए, इसमें हम ये मसाला डाल देते हैं। मसाला को हम पकने देंगे, तब तक हम पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। ये पूरे में डाल दिए हम एक चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। मसाला हमारा तेल छोड़ दिया। अब इसमें हमने तीन आलू बॉईल करके डाल देंगे, आप अपने अनुसार डालिएगा, मैं अपने
जितने आलू सीख गए फ्राई हो गए, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पकने देंगे इसे, तब तक हम पूरी बना लेते हैं। ये आटा अभी हमारी रेस्ट हो गई, अब इससे हम पूरी थोड़े से और मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं आटा को। पूरी की लोई काट लेते हैं हम, पूरी बेलिए, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने पहले से ही गर्म होने चढ़ा दिया था कढ़ाई में, पूरी तल लेते हैं हम। देखिए पूरी भी हमारा बढ़िया से फूल जा रही है, ये सब्जी भी हमारी बढ़िया सी पक गई है, अब हम पूरी भी हमारी रेडी हो गई है। फ्रेंड अगर आप प्लानिंग कर लें तो आधा घंटे में आपकी सारी माता की थाली तैयारी हो जाएगी। लाइट कम आ रही है ना फ्रेंड, हमारी ये माता की थाली आधे घंटे में रेडी हो गए, मैंने पक्का घड़ी देख के करिए, आप भी थोड़ी सी प्लानिंग करके कीजिए तो आपके भी आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप जरूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में छोटी सी बेल आइकन जो है उसे भी दबा दीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं कोई अगली नई रेसिपी में, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।